हेलो एवरीवन, तो हम लोगों ने मैनेजमेंट का रिवीजन ख़त्म कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर इंडस्ट्रियल लॉ, जिसमें पहला हमारा एक्ट है फैक्ट्रीज एक्ट। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, तो हैव टू स्टार्ट क्विक एज वेल, है ना? ओके, तो सबसे पहली बात एक्ट। एक्ट क्या होता है? एक्ट इज़ बेसिकली रूल बुक, ठीक है? और इसके आगे जो ईयर लगा होता है, इस ईयर में वो या तो पास हुआ होता है या गवर्नमेंट गजट में आया होता है, ठीक है? अगर हम फैक्ट्रीज एक्ट की बात करें, तो सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट हमारे इंडिया में 1881 में आया था। एज़ यू कैन सी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर है, ठीक है? तो वहाँ पर किस किस के बारे में बात की गई थी? हेल्थ के बारे में बात की गई थी, सेफ्टी के बारे में बात की गई थी, एंड प्राइमरी प्रोटेक्शन के बारे में बात की थी, किसके? चाइल्ड लेबर की, ठीक है? यहाँ पर जो 1881 वाला एक्ट था, हेयर सिर्फ चाइल्ड लेबर के वेलफेयर के बारे में बात की गई थी ज़्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है? उसके बाद 1889 में एक्ट आया और 1911 में एक्ट आया, ठीक है? इन दोनों एक्ट्स ने इससे पहले वाले एक्ट को रिप्लेस कर दिया। जैसे 1881 का एक्ट था, उसको रिप्लेस कर दिया 1889 के एक्ट ने, और इसको रिप्लेस कर दिया 1991 के एक्ट में, ठीक है? उसके बाद 1934 का जो एक्ट था, उसने सारे प्रीवियस एक्ट्स को रिप्लेस कर दिया, और इसकी जो अमेंडमेंट्स थी, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई थी, ठीक है? फाइनली जो अभी करेंटली चल रहा है, दैट इज़ द एक्ट ऑफ 1948। एज़ यू कैन सी, जो हमारी इंडिपेंडेंस है 1947 की, उसके जस्ट बाद में ये आया है, ठीक है? अभी कब आया था? 28 अगस्त 1948, और ये लागू कब से हुआ था? 1 अप्रैल 1949, ठीक है? लागू होने वाली डेट कहीं पर भी ऐड नहीं होती एक्ट के नाम के आगे, या तो पास, जिस ईयर वो पास हुआ होता है, और बेसिकली जब पास होता है तभी वो गवर्नमेंट गजट में आ जाता है। तो यही दोनों ईयर्स जो हैं, बेसिकली ये एक ही साल होते हैं, उस टाइम पर वही इस एक्ट के आगे ऐड होता है। जैसे इसमें द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है? अब फैक्ट्रीज एक्ट है, तो फैक्ट्रीज एक्ट में किसके वेलफेयर की बात की जाएगी? लेबर के वेलफेयर की बात की जाएगी, ठीक है? 1947 से पहले, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी हमारी कंट्री, तब जो लेबर था उसका बहुत ज़्यादा शोषण होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था, ठीक है? तो अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई, तो उनकी कंपनीज, उनकी फैक्ट्री सब यहाँ से चली गई, ठीक है? तो बहुत से इंसान जो है, बहुत से हमारे इंडियंस जो है, वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, ठीक है? अब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग कहीं पर भी, किसी भी वेजेस पर, किसी भी कंडीशन में काम करने को तैयार थे, ठीक है? बट गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इनका शोषण बंद करना पड़ेगा, इनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो बंद करना पड़ेगा। तो 1948 में फैक्ट्रीज एक्ट लेकर आए, ताकि लोग काम करने को तैयार तो हों, लेकिन अगर कोई उनका शोषण कर रहा है तो उनको प्रॉपर पनिशमेंट मिले, ठीक है? तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करना, सेफ्टी मेजर्स को, मतलब सेफ्टी मेजर्स रखना, हेल्थ मेजर्स रखना, इंस्पेक्टिंग टू लोकल गवर्नमेंट, मतलब इन्होंने लोकल गवर्नमेंट को राइट्स दिए कि भाई अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप एक्शन ले सकते हो, और लेबर का वेलफेयर देखना। कौन से लेबर्स? फैक्ट्री लेबर्स, ठीक है? तो दीज वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने एक्ट्स पढ़े थे, वो हम बेसिकली ऐसे पढ़ते हैं कि ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्ट JNK, ठीक है? बट JNK में अब सारे एक्ट लागू होते हैं, जब से आर्टिकल 370 हट गया, ठीक है? तो JNK इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आर इंडिया, तो अब इसका स्कोप हो गया है ऑल ओवर द इंडिया। ओके, कुछ डेफिनेशंस हैं। अब मेन थिंग, जब हमने ये क्लास में पढ़ा था, तो वी डिडंट स्टडी अबाउट द एक्ट, द सेक्शन नंबर, ठीक है? सेक्शन नंबर के बारे में हमने बात नहीं की थी, क्यों? क्योंकि हमें डिटेल में आंसर लिखने थे, बस बिकॉज ऑफ MCQ इसके सेक्शन नंबर भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? तो डेफिनेशंस बेसिकली है क्या इसमें, लोगों के बारे, एक अडल्ट मतलब जिसने 18+, जो 18+ एज का हो, एडोलोसेंस जिसको हम किशोर या तरुण भी कहते हैं, जो 15 से 18 के बीच का हो, ठीक है? कैलेंडर ईयर 12 मंथ्स फ्रॉम जनवरी, मतलब जैन टू दिसंबर,
इस कैलेंडर ईयर को माना जाता है फैक्ट्रीज एक्ट में, फाइनेंशियल ईयर को नहीं, 12 मंथ्स फ्रॉम जनवरी। तो अगर ऐसा है कि कैलेंडर ईयर एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट इज़ जनवरी टू दिसंबर, एक फाइनेंशियल ईयर दे देंगे आपका अप्रैल टू मार्च, बट नो, फैक्ट्रीज एक्ट में जो कैलेंडर ईयर है उसी को माना गया है। ठीक है, ओके। चाइल्ड जो 15 से छोटा है, ठीक है, अब ये देखो, कोई भी चाइल्ड लेबर को अपॉइंट नहीं कर सकता, ठीक है, जब तक कि वो 14 साल का कोई बच्चा है वो अपनी 14 एज कंप्लीट नहीं कर लेगा, तब तक वो किसी फैक्ट्री में अपॉइंट नहीं हो सकता। 15 ईयर्स से फैक्ट्री में अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, बट वहाँ पर भी हजार्डियस प्रोसेस में इंक्लूड नहीं हो सकता। तो 14 ईयर्स तक तो आएगा ही नहीं फैक्ट्री में, 15 में आ सकता है, 15 से 18 तक इसको हम बोलते हैं एडोलोसेंस, और 18 प्लस हो जाने पर इसको हम बोलते हैं अडल्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटेंट पर्सन, अब कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है? सक्षम व्यक्ति, नाम से ही क्लियर है, अ पर्सन और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द चीफ इंस्पेक्टर अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। जो चीफ इंस्पेक्टर है उसने जिस भी इंसान को सक्षम व्यक्ति का दर्जा दे दिया, मतलब सब चेक वेक करके कि हाँ भी हेल्थ ठीक है, ये काम कर सकता है एक्सेट्रा, तो उसको हम कॉम्पिटेंट पर्सन बोलेंगे। मुख्य निरीक्षक द्वारा जब मान्यता प्रदान कर दी जाती है तो ऐसे व्यक्ति को हम सक्षम व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स कौन डिसाइड करेगा? चीफ इंस्पेक्टर ही डिसाइड करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हजार्डियस प्रोसेस, हजार्डियस प्रोसेस क्या है, या हिंदी में बोलूँ तो खतरनाक प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया जो हार्मफुल हो फॉर वर्कर्स या हार्मफुल हो फॉर एनवायरनमेंट। अगर हम शॉर्ट में बात करें, कोई भी प्रक्रिया, चाहे वो कच्चे माल से रिलेटेड हो, तैयार माल से रिलेटेड हो, मतलब रॉ मटेरियल से, वर्क इन प्रोग्रेस से, या फिनिश्ड गुड्स से, या आपके जो वेस्टेज होता है उससे, किसी से भी रिलेटेड हो, अगर वो वर्कर्स के लिए या एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है तो उसे हजार्डियस प्रोसेस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, यंग पर्सन। देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि वो 17 प्लस होते ही 18 का हो जाएगा। जो ये एज है कि भाई उसने अपनी 18वीं एज में चल रहा है लेकिन प्लस 18 प्लस नहीं हुआ है, उसको हम नवयुवक कहते हैं, यंग पर्सन कहते हैं। ठीक है, इन द एज ऑफ 18 बट नॉट येट कम्प्लीटेड। ओके, आगे, प्राइम मोटर या मुख्य मोटर, कोई भी मशीन है, ठीक है, कोई भी मशीन है जिस मोटर से वो कंट्रोल हो रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइम मोटर। अब ये इसको पावर देती है, ये मोटर इसको पावर देती है। देखो, अप्लायंसेस विच जनरेट्स और प्रोवाइड्स पावर, शक्ति उत्पन्न करने वाला या उस किसी प्रकार से शक्ति की पूर्ति करने वाला जो अप्लायंस होगा उसको हम बोलेंगे प्राइम मोटर। ठीक है, नेक्स्ट, यंत्र या मशीनरी क्या है? प्राइम मोटर प्लस ट्रांसमिशन मशीनरी एंड अदर अप्लायंसेस, सारे जो टूल्स हैं उनको मिलाकर हम बोलते हैं मशीनरी। अब ये किसी भी काम के लिए हो सकते हैं, या तो ये पावर जनरेट करेंगे, या ये पावर ट्रांसमिट करेंगे, या ये पावर ट्रांसफॉर्म करेंगे। मतलब होता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी पावर से हम या थर्मल पावर से इलेक्ट्रिसिटी पावर बना रहे हैं, या वाटर प्रेशर पावर से हम इलेक्ट्रिसिटी पावर बना रहे हैं एक्सेट्रा, या अप्लाइड, या उसको अप्लाई करेंगे। तो कोई भी अप्लायंसेस, चाहे वो प्राइम मोटर, ट्रांसमिशन, अदर मशीनरी हो, जो पावर जनरेट करती हों, ट्रांसमिट करती हों, ट्रांसफॉर्म करती हों या अप्लाई करती हों, उसको हम मशीनरी या यंत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें हम ह्यूमन बीइंग्स को या एनिमल्स को नहीं इंक्लूड करते, या फिर जो हैंड से काम हो रहा है उसको भी इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, आगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नॉर्मल लैंग्वेज में हम देखें तो बस ये होता है कि हम रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बना दें, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ बनाना, किसी चीज़ में अल्टरेशन करना, परिवर्तन करना, किसी चीज़ की रिपेयरिंग करना और ऑर्नामेंटिंग करना, मतलब सजाना, फिनिशिंग करना, कुछ फाइनल टच देना, पैकिंग करना, ऑयलिंग करना, वॉशिंग करना, क्लीनिंग करना, ब्रेकिंग अप करना, मतलब तोड़ना, जैसे कांच वगैरह होता है थोड़ा तोड़ने की भी फैक्ट्रीज होती हैं, नष्ट करना, अडॉप्टिंग या कुछ अन्य कार्य करना, या क्यों करना, ये सारे काम तो आ जाएंगे आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। लेकिन इनका जो
ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, इसको यूज़ करने के लिए, सेल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए या डिस्पोजल करने के लिए, प्रयोग करना, बेचना, यहाँ से वहाँ पहुँचाना, सुपुर्दगी करना या ख़त्म करना, इन पांचों उद्देश्य से ऐसा कोई काम किया जाता है तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिर्फ रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना नहीं है, ये सब आता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जिसका उद्देश्य उसे यूज़ करना हो, सेल करना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, डिलीवर करना हो या डिस्पोज करना हो। ठीक है, चलो आगे। अच्छा, इसमें प्रिंटिंग भी आ जाता है, कोल्ड स्टोरेज भी आ जाता है, शिपिंग भी आ जाता है, लेटर प्रेस भी आ जाता है और बुक बाइंडिंग भी आ जाता है, ये सारे ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया जाता। ये चीज़ें हैं वस्तुओं को छाँट कर अलग करना, जो बाय हैंड की जाती हैं। ठीक है, रिपेयरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, जो मोटर व्हीकल्स कार, ठीक है, एक्टिवा, बाइक, इन सब का रिपेयरिंग इसमें नहीं आता। सिर्फ पैकिंग करना इसमें नहीं आता। अनाज बीनना नहीं आता। सेलिंग ऑफ पेट्रोल और डीजल बाय पेट्रोल डीलर इसमें नहीं आता। मनुष्य द्वारा घास के बंडल बनाना इसमें नहीं आता। एंड फिल्म प्रदर्शन इसमें नहीं आता। ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं आएंगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वर्कर, वर्कर कौन है? ठीक है, वर्कर एक ऐसा पर्सन है जो फैक्ट्री में लगा हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है कि विदाउट वेजेस हो, वेजेस के साथ भी हो सकता है, विदाउट वेजेस भी हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू बहुत इजी बन रहे हैं, लेकिन बेसिक्स से बन रहे हैं एज एज द री एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, अब ये या तो अपॉइंट होगा डायरेक्टली या किसी एजेंसी के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, अब इसको जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, मतलब जो उस फैक्ट्री का ओनर है, उसके बारे में जानकारी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए भी हो सकता है या उसके किसी पार्ट के लिए भी हो सकता है। ठीक है, अब ये फिज़िकली वर्क भी कर सकता है और मेंटल वर्क भी कर सकता है। एंड ये एक्सक्लूडिंग आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन, जो आर्म्ड फोर्स है, जो हमारी सेनाएं हैं, उनके जो वर्कर्स हैं उनको हटा के, ठीक है, आर्म्ड फोर्स के लोग इसमें नहीं आएंगे। तो वर्कर कौन होता है? जो या तो वेजेस सहित या मजदूरी के बिना काम पर लगा हुआ हो, या डायरेक्टली अपॉइंट किया गया हो, या किसी एजेंसी ने अपॉइंट करा हो, उसको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जो उसका नियोक्ता है, मुख्य नियोक्ता, उसके बारे में जानकारी हो या ना हो, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहा हो या उसके किसी पार्ट में काम कर रहा हो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत लंबी होती हैं, अलग अलग प्रोसेस होती हैं, किसी एक प्रोसेस में भी काम कर सकता है वो। ठीक है, अब वो फिज़िकल वर्क कर रहा हो चाहे मेंटल वर्क कर रहा हो, एक ही बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्लर्क अ वर्कर, क्या एक क्लर्क जो लिखाबाड़ी का काम कर रहा है, अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, वो एक वर्कर है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। यहाँ पर डायरेक्टली अपॉइंटमेंट का था, यहाँ पर डायरेक्टली अपॉइंट मतलब या उसको ओनर ने अपॉइंट किया हो या किसी एजेंसी ने अपॉइंट करवाया हो, और नीचे डायरेक्टली क्या है कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए क्लर्क एक वर्कर नहीं है। ओके, आगे फैक्ट्री। अभी हम फैक्ट्री 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 कर रहे थे, फैक्ट्री होती क्या है? ठीक है, देखो, फैक्ट्री में एक बिल्डिंग और एक प्रिंसिट, प्रिंसिट मतलब उसकी परिधि, जैसे ये बिल्डिंग बनी, ठीक है, बिल्डिंग बनी जो ये ऐसी नहीं होती वैसे, बट लेकिन इसकी जो परिधि है, जिसके जिसमें ये बिल्डिंग बनी हुई है, इस परिधि को भी फैक्ट्री में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब हम फैक्ट्री में, जब फैक्ट्रीज़ एक्ट है, ठीक है, उसके प्रोविज़न कौन सी फैक्ट्रीज़ पर लागू होंगे? उसकी दो तरह की फैक्ट्रीज होंगी, या तो 10 या ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हों, या 20 या ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हों। ठीक है, 20 वर्कर वहाँ जहाँ पर पावर से काम नहीं होता, मतलब मशीनरी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, 10 वहाँ जहाँ पावर बेस्ड काम होता है। ठीक है, तो फैक्ट्री
दो कंडीशन है, वेयर 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग और वर वर्किंग इन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, मतलब पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन अगर 10 से ज़्यादा लोगों ने काम कर लिया हो तो, ठीक है, व्हेन वेयर बिजनेस इज कैरिड आउट और एनी प्रोसेस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पावर, जहाँ पर पावर की हेल्प से काम हो रहा हो वहाँ पर 10 वर्कर्स होंगे तब भी हम उसे फैक्ट्री मान लेंगे, लेकिन जहाँ पर विदाउट पावर काम हो रहा हो तो वहाँ पर 20 वर्कर्स होंगे तभी हम उसे इस फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर लेकर आएंगे, ठीक है। उसके अलावा इस फैक्ट्री एक्ट के रूल बाकी किसी फैक्ट्री पर लागू नहीं होंगे, सपोज़ यहाँ पर 2 वर्कर काम कर रहे हों, 8 वर्कर काम कर रहे हों तो लागू नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट्रीज़ में इंक्लूड नहीं होती, तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड एज फैक्ट्री इन फैक्ट्रीज़ एक्ट। तो माइंस जो खाने होती हैं, सोने की खान, कोयले की खान एक्सेट्रा, रेलवे रनिंग शेड जो रेलवे के अंदर कैंटीन्स वगैरह होती हैं वो, मोबाइल यूनिट जो लोग चलता फिरता काम करते हैं लाइक मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, फूड डिलीवरी हो गया एक्सेट्रा, होटल एंड रेस्टोरेंट्स, कंप्यूटर यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोसेसिंग यूनिट और इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग यूनिट एंड रेलवे गोडाउन, ये सब चीज़ें फैक्ट्री नहीं हैं। ओके इसको एक बार, ये पीडीएफ मैंने भेजी हुई है टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर आप फाइल्स में सर्च करोगे फैक्ट्रीज एक्ट तो यू विल फाइंड इट, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट टर्म इज़ टाइम ऑफ रिले, ठीक है। टाइम ऑफ रिले क्या है? बेसिकली जब हम शिफ्ट की टाइमिंग की बात करते हैं दैट इज़ टाइम ऑफ रिले, वेयर वर्क ऑफ द सेम काइंड इज़ कैरिड आउट बाय 2 और मोर सेट्स ऑफ वर्कर वर्किंग ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, ईच सच सेट इज़ कॉल्ड रिले। मतलब जहाँ पर वर्कर्स के सेट काम कर रहे हैं प्लस सेम काम कर रहे हैं और एक फिक्स टाइम के लिए कर रहे हैं, दैट वन सेट इज कॉल्ड रिले। ओके ओके, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट आपको मोस्ट चीज़ों में मिलेगी, क्योंकि अलग अलग जगह की फैक्ट्रीज अलग अलग हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को ही फैक्ट्रीज़ के सारे राइट दिए गए हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर टू डिक्लेयर डिफरेंट डिपार्टमेंट टू बी डिफरेंट फैक्ट्रीज और टू और मोर फैक्ट्रीज टू बी सिंगल फैक्ट्री, मतलब मर्जर के ऑर्डर दे सकती है, न्यू रूल्स बना सकती है, ठीक है, अमेंडमेंट्स कर सकती है। कौन कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट। फैक्ट्रीज एक्ट में मेजर पावर्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई हैं, ठीक है। किसी को परमिशन देना या किसी को बंद करना, किसी फैक्ट्री को वाइंड अप करना, सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। मोस्ट, ध्यान रखना, मोस्ट बोल रही हूँ, सारे नहीं बोल रही हूँ। ओके, स्टेट गवर्नमेंट फैक्ट्री पर्पस से, वर्क और एक्सटर्नल अफेयर्स के पर्पस से या पब्लिक इमरजेंसी के पर्पस से कुछ भी पावर्स को आपको एग्जेम्प्ट कर सकती है, मतलब ढील दे सकती है, कुछ नए रूल्स बना सकती है या कुछ भी कर सकती है। बस ये तीन अगर पर्पस उसको लग रहे हों कि हाँ भाई ये रूल बनाने से इसमें कुछ होगा, ठीक है, सेफ्टी, एक्सटर्नल अफेयर्स और पब्लिक इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इन केसेस में स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफेयर कर सकती है। ओके, तो टर्म्स हमारी ख़त्म हो गई। अब बात आती है अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ अ फैक्ट्री। सेक्शन 6 में इसके बारे में बात की गई है कि फैक्ट्रीज़ का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। देखो, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ राइट फॉर रूल मेकिंग पावर। कौन? या तो स्टेट गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंसान होगा जिसको हम स्टेट इंस्पेक्टर भी कहते हैं, या फिर चीफ इंस्पेक्टर जो गवर्नमेंट द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा। इन दोनों में से स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी बोल, अगर चीफ इंस्पेक्टर है किसी स्टेट में तो वो इसको सब कुछ देना पड़ेगा, ये ना एप्लीकेशन वगैरह वगैरह, या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई आदमी अपॉइंट करेगी उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्या क्या सबमिट करना होता है? प्लान्स एंड सर्टिफिकेशन, क्या हमारे प्लान्स हैं, ठीक है, लाइसेंसिंग फ़ी, रिन्यूअल फ़ी, वो साइट जहाँ पर फैक्ट्री बनने वाली है, ठीक है, एंड
कोई भी परमिशन प्रोवाइड नहीं की, नो एनी अप्रूवल विल बी गिवन टिल ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ सेक्शन 7 इज प्रोवाइडेड। ठीक है, अगर सेक्शन 7 में जो चीज़ें बताई गई हैं वो इन्फॉर्मेशन में से कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो प्रोवाइड नहीं की गई है तो फैक्ट्री को अप्रूवल नहीं मिलेगा। और एक और टर्म आता है डीम्ड अप्रूवल, इसको हम हिंदी में कहते हैं माना गया। जब अप्रूव कोई फैक्ट्री का प्रपोजल अप्रूव्ड मान लिया जाता है उसको हम बोलते हैं डीम्ड अप्रूवल। इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, हमने सुना कि सेक्शन 7 में जो चीज़ें होती हैं वो अगर नहीं मिली इन्फॉर्मेशन तो फैक्ट्री को अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब सेक्शन 7 में चीज़ें होती क्या क्या हैं? सेक्शन 7 बात करता है नोटिस बाय ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर कौन है? जो फैक्ट्री खड़ी कर रहा है बेसिकली। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो ओनर हो। ऑक्यूपायर अलग से भी अपॉइंट किए जाते हैं कि लो भाई हमारा ये प्रपोजल है, सारे काम करके हमें फैक्ट्री लगा के दे दो। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? नेम एंड सिचुएशन ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री कहाँ पर, फैक्ट्री का नाम क्या है और फैक्ट्री कहाँ पर लगेगी, एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट फैक्ट्री। कि भाई कोई हजार्डियस प्रोसेस तो नहीं होने वाली उसमें, वर्कर्स कितने काम करेंगे एक्सेट्रा। ठीक है, चलो डीम्ड अप्रूवल क्या होता है? अगर 3 महीने तक आपकी एप्लीकेशन पर कोई भी आंसर नहीं आता है तो फैक्ट्री अपने आप ही अप्रूव्ड हुई मान ली जाती है, इसको हम बोलते हैं डीम्ड अप्रूवल। ठीक है, नेक्स्ट, रिप्लेसिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट मीन एक्सटेंशन ऑफ फैक्ट्री एंड टू गेट एनी परमिशन, नो नीड टू गेट एनी परमिशन। अगर एक्सटेंशन होता है ना किसी फैक्ट्री का तो उसे चीफ इंस्पेक्टर के पास में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि हाँ हम अपनी फैक्ट्री बढ़ा रहे हैं। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी जो है, प्लांट है या मशीनरी है या टूल्स हैं, उसमें ये ऐसा कुछ नहीं होता कि भैया फैक्ट्री एक्सपेंड कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पुरानी मशीनरी या तो ख़राब हो गई या नई मशीन खरीद रहे हैं या टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये वापस से आ गया। सेक्शन 7 में क्या क्या होता है? सेक्शन 7, सबसे पहली बात, 15 दिन के अंदर ऑक्यूपायर को नोटिस देना पड़ेगा, किसे? CI को, चीफ इंस्पेक्टर को। ठीक है, इसमें डिटेल होंगी अबाउट द फैक्ट्री इंक्लूडिंग नेम, एड्रेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्सेट्रा। या तो ये फैक्ट्री इंस्पेक्टर को जाएंगी जो चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, या स्टेट गवर्नमेंट को जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? नेम ऑफ फैक्ट्री, नेम ऑफ ऑक्यूपायर, एड्रेस ऑफ बोथ, दोनों का एड्रेस, इसका भी इसका भी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, मैनेजर ऑफ़ द कंपनी कौन होगा, लेबर स्ट्रेंथ कितनी होगी, एंड कौन सी मशीनरी होगी और कितने हॉर्स पावर की मशीनरी काम करेगी उसमें। ठीक है, अब सेक्शन 7A है। सेक्शन 7A जो बात है वो बात करता है जनरल ड्यूटीज़ ऑफ द ऑक्यूपायर। ठीक है, जनरल ड्यूटीज़ ऑफ द ऑक्यूपायर आर हेल्थ के बारे में उसे ध्यान रखना है, सेफ्टी के बारे में उसे ध्यान रखना है, और वेलफेयर के बारे में बात करना है। ये तीन चीज़ें उसकी प्राइम ड्यूटीज़ हैं, ये तो करना ही करना है। ठीक है, मशीनरी मेंटेनेंस रखना और ट्रेनिंग और सुपरविज़न करना, ये भी उसकी ड्यूटी है। लेकिन हेल्थ, सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग ऑक्यूपायर की ये प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। हमने टर्म्स करी हैं और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल किया है। ठीक, इसके मेन जो डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने होते हैं वो हमने कर लिए, थोड़ा सा और कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले चैप्टर को भी ख़त्म कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, अगर कुछ पॉइंट्स हैं, इफ़ वर्किंग लेस देन 180 डेज एंड रीस्टार्ट अगेन, जैसे कुछ सीजनल वर्क्स होते हैं, ठीक है, कि भाई इस सीज़न में काम होगा अगले सीज़न में काम नहीं होगा, तो इस सिचुएशन में जो चीफ इंस्पेक्टर है वो या स्टेट गवर्नमेंट है वो कहती है कि आपको पूरे साल का सुपरविज़न करने की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस काम जब स्टार्ट करो तो उसके 30 दिन के अंदर फैक्ट्री इंस्पेक्टर को बता देना कि हम काम स्टार्ट कर रहे हैं और ये चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, ओके, अगर मैनेजर चेंज होता है या फिर मैनेजर नहीं अपॉइंट किया जाता 7 दिन के अंदर, तो जो ऑक्यूपायर है
उसको ही डीम्ड मैनेजर मान लिया जाता है। देखो, टिल मैनेजर इज़ नॉट अपॉइंटेड ऑक्यूपायर इज़ डीम्ड टू बी अ मैनेजर। ठीक है, इसी के साथ वी हैव कम्प्लीटेड द सेकेंड चैप्टर एज वेल। तो आई होप समझ में आया होगा, लॉ है तो थोड़ा सा तो ध्यान लगाना पड़ेगा। ओके, तो इसके आगे क्लासेस में हम बाकी देख लेंगे। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।